Hey friends, marhaba. I am your Sameer Aziz and your Sameer Aziz is here again with you for you in your own show. Smile with Sameer Aziz. Friends, you should be ready to flaunt your smile always with lots of positiveness, support your smile, peace. Friends, today we have RJ Fawad from Riyadh. He is hosting this show with me. He's a host, RJ, and a young entrepreneur and a motivational speaker as well. Wow. And friends, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो है एशियन मीडिया डायरली अलार्मिंग फॉर मेरिटोक्रेसी. एशियाई मीडिया अहलियती निज़ाम के लिए खतरे की घंटी. और थोड़ी सी चेंजेस ये हैं कि आज हम इंस्टाग्राम अकाउंट समीरा अजीज ऑफिशियल पर नहीं बल्कि अपने फेसबुक अकाउंट samira.aziz.media पर ये शो कर रहे हैं. और हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी आते रहेंगे, लेकिन चलिए इस वक्त अपने फेसबुक अकाउंट पर देखते हैं कि आरजे फवाज के साथ हम इस बारे में आपसे क्या कहना चाहते हैं. मैं मुल्तमिस हूँ हमारे बज़्म रियाज़ के पुराने साथी, जिन्हें हम प्यार से शाहीन भी कहते हैं. बज़्म के ये शाहीन भी हैं, इकबाल के शाहीन हैं, और आज खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए अभा से तशरीफ़ लाए हैं. मेरी मुराद आरजे फवाद से है कि वो तशरीफ़ लाएं और बज़्म के अगराज़ो मकासिद, विजन एंड मिशन के साथ अपनी गुफ्तगू हमारे सामने रखें. जनाब आरजे फवाद. अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैडम समीरा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. और हम अपना शो जो है उसका आगाज करना चाहेंगे. मैं चाह रही हूँ कि जो मौजू है, मौजू के बारे में पहले आप बता दीजिए. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा एक ऑनर है कि कम्युनिटी की बहुत सीनियर और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, मनजीवी हमारी जो स्कॉलर है मीडिया इंडस्ट्री की, उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है एनालिसिस का. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट मैडम समीरा. इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा आज का जो मौजू है, जिसका सब्जेक्ट हमने रखा है कि देर इज एन अलार्मिंग सिचुएशन इन द मीडिया इंडस्ट्री रिगार्डिंग द बिहेवियरल साइंसेस व्हिच आर बीइंग विटनेस्ड इन द पास्ट फ्यू डेज, जिससे बहुत सारे जो है वो सवालिया निशान उठ रहे हैं. और समझ ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ समझ ऐसा आ रहा है कि नफ्सा नफ्सी का आलम है. लोग पैटर्न ऑफ बिहेवियर शायद भूल गए हैं, या शायद हमने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह के रुख पर डाल दी है जहाँ पर हमें लगता है कि कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल इज नॉट बीइंग ऑन द राइट पेज. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मीडिया में इस तरह का क्या तहलका मचा है जिसने हमें कंपेल कर दिया कि वी हैव टू डू अ लाइव सेशन जस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट यू नो अ पॉजिटिव यू नो एट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ नीड्स टू बी स्ट्रेट, लाइफ नीड्स टू बी फेयर. And above all, we cannot be so negative about each other. It's deep. So, yeah. Ye hamara mauzu. I hope I answered the question well. Mr. Jao Paulo, you say hi to Brazil. We are speaking in this show in Urdu. Hum Urdu mein baat kar rahe hain. Ji, bahut ahem mauzu hai ye. और मीडिया के हवाले से जो है ये, इस मौजू के बारे में हमने बात करने को क्यों सोचा, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है. बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है. मुझे अपना याद है जब मैंने 20-21 साल पहले मीडिया में आने का सोचा था, तो सबसे पहले मेरे जहन में एक बात थी कि हमने बहुत पढ़ना है क्योंकि मीडिया वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं. लेकिन आज अगर किसी को मीडिया में जाना होगा, उसके जहन में डेफिनेटली ये बात नहीं आएगी. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि जो मीडिया में जो लोग शामिल होने लगे, तो उनको पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनको दूसरे किस्म के शॉर्टकट्स की ज़रूरत है. और उसकी वजह से होता ही आया है कि अब लड़कियां पढ़ने लिखने पे अच्छी एक वक़ार वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता. वो शॉर्टकट्स अपनाती हैं, उसके लिए वो छीना झपटी जो भी कुछ उन्होंने सही गलत उसकी कोई तमीज़ नहीं होती, और वो जो है इस तरह से दूसरों का भी हक मारती हैं. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो लड़कियाँ उसमें अच्छी होती हैं, जो डिजर्विंग होती हैं, जो मेरिट पे होती हैं, वो रह जाती हैं, और उन पर भी उसकी वजह से शुभात की जो है ना नजर से देखा जाता है. और ये सारी जो नई बच्चियां हैं, ये सब इन सब का जो है प्रॉब्लम है. हमारे रोल मॉडल्स भी शायद बहुत गलत किस्म के हो गए हैं. सोशल मीडिया में हमने जो रोल मॉडल्स बना लिए, इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे.
ये जो अभी ये जो मौजू है इस पे बात करने के लिए इसलिए भी जहन में आया क्योंकि एक जहर आपको एक कहीं ना कहीं से कुछ शय मिलती है, कुछ आपको प्रोवोकेशन मिलती है. मुझे प्रोवोकेशन मिली जो ये उज्मा खान केस हुआ था पाकिस्तान का, मीडिया की है वो भी, क्योंकि मास मीडिया में तो अब एक्टर्स भी आ जाते हैं. तो बड़ी खूबसूरत अच्छी उनको इन्होंने एक दो फिल्में की हैं उन्होंने, लेकिन उसके बाद एक तो चीज़ होती है ना कि कहीं अफवाह होगी, ऐसे ही किसी ने कह दिया, हु केयर्स, हम लोग को मालूम है, हम केयर नहीं करते. मगर एक सच्चा वाक्या जिसमें रियल पीपल जो है इन्वॉल्व है और तशद्दुद हो रहा है इतनी नेगेटिव और शर्मनाक किस्म की कि उन घर में कूद के और वो किस किस्म की एक्टिविटी में पकड़ी गई, फिर वो एहतिकाफ का नाम ले रही हैं कि हम एहतिकाफ में बैठे थे उसका, लेकिन फिर वो शराब उंडेलना और ये सब. मैंने उस वीडियो को, मुझे बड़ा जहनी टॉर्चर हुआ, सबको टॉर्चर हुआ, मैंने उस वीडियो को रोक रोक के देखा एक एक. यू नो आई एम अ ट्रेन जर्नलिस्ट और हम लोग बॉडी लैंग्वेज वगैरह नोटिस करते हैं और तो बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, एक एक सीन और ये रोक रोक के. तो जो मुझे उसमें एनालाइज हुआ, मुझे उसमें उज्मा बुरी लगी, मुझे वो अच्छी नहीं लगी. और मुझे जो जो उनकी जो बीवी थी जो आमना, उनके साथ हमदर्दी हुई. अब ये एक बात मैं कह लूँ कि किसी ने कम गलत किया है, किसी ने ज्यादा गलत किया है, लेकिन बात यह है कि एट द फर्स्ट पॉइंट अगर आप गलत हो, गलत कर रहे हो, किसी का घर आप खराब कर रहे हो, 2 साल से आप खुद कह रहे हो हम रिलेशनशिप में थे, ये लिविंग रिलेशनशिप ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये तो है ही इलीगल. आप इस तरह की रिलेशनशिप में होना, किसी से कॉन्सेंट फेवर लेना, फिजिकल रिलेशन रखना या पैसे लेना, ये सब इलीगल है. तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, एट द फर्स्ट पॉइंट अगर आप गलत काम कर रहे हो और उसके नतीजे में अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो फिर आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा. मतलब हम उज्मा के लिए भी दिफा करें तो किस लिए करें, क्योंकि वो सामने वाली जो है फिर तो वो भी दिफा की मुस्तहक है. और कहते हैं ना जब इंसान कत्ल करता है तो एक तैश में कत्ल होता है और एक जानबूझ के कत्ल होता है. जाहिर है जो उज्मा उन खातून आमना के साथ कर रही थी तो उसमें ये था कि उनको गुस्सा तो आ नहीं था, उन्होंने बिल्कुल वही किया जो कोई भी खातून करती, और उनकी लग गई पिटाई. अब पिटाई लग गई तो उसमें लड़ाई क्या भाई, आपने हरकत ही ऐसी की थी, सीधी सी बात है. आप आग खाएंगी तो अंगारे उगलेंगी, तो ये चीज़ है. और अब तो सुना है कुछ मुकमुका वगैरह भी होने वाला है, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि इनको पैसे ना दिए जाएं, लड़कियों को काम दिया जाए ताकि ये काम करके मेहनत करने की आदी बने. इसको बोलते हैं कि सही इसलाह, इनके मुंह को खून ना लगाया जाए. इनके मुंह को खून खून तो इनके मुंह को लगा हुआ है, और फिर वो दूसरी लड़कियां इसका धंधा बना लेंगी, वाह मजा आता है. और सुना है मैंने किस तरह के चल रहा है, बाकायदा मुनज्जम तरीके से ऐसा होता है कि बड़े बड़े ऊंचे बकरों को फंसाया जाता है और फिर पैसे ऐंठे जाते हैं, फिर उनकी बीवियों तक खबर पहुंचाई जाती है, फिर वो पुरानी वीडियोस निकाली जाती हैं. इससे पहले भी हरीम शाह की तरफ से जो है वीडियोस रिलीज हुई, फिर कहते थे बिल्कुल हमने नहीं पहले भी रिलीज है। की, हमने नहीं रिलीज की, और बहुत कुछ यानी इस तरह. ये सब क्या उधम मचा हुआ, ये सब क्या हो रहा है. अच्छा ये तो सिर्फ एक पाकिस्तान की बात है, आप इंडिया की जानिब देखें, मी टू. और मैं बताऊंगी उस वाकये के बारे में, वो इंडिया का वो मुंह आंखों देखा वाकया मेरे सामने हुआ, मैं हैरान, इतनी झूठी औरत. अच्छा मेरे बारे में सारे लोग कहते हैं कि ये बड़ी फेमिनिस्ट है, औरतों के लिए बात करती है, मगर मैं यहाँ औरतों के लिए बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ना ऐसी औरतें बहुत बुरी लगती हैं. ये जो शॉर्टकटर्स होती है ना, क्योंकि हमने मेहनत की है ना, मेहनत करके आए, शादी हुई, शादी करके 26 साल एक मेहनत, पढ़ाई, बच्चे, कैरियर, यार वाट लग जाती है इंसान की, सोने को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन होता है, दो दो दिन गुजर जाते हैं, आपका काम नहीं खत्म होता है, अब कुछ नहीं तो चलो बच्चा ही बीमार हो गया, आय हाय, अब चलो भूल गए अपने आप को, अपनी नींद भूल गए, बहुत कुछ होता है. तो हम लोग अपने आप को ना लूजर्स महसूस करते हैं यार, गुस्सा आता है यार. इनको देखो, इनको तो 26 दिन में मिल गया, हमें 26 साल में मेहनत करने पे. इस तरह जो है ना माशरा खराब हो रहा है जी क्योंकि ये अदल नहीं है, तो ये सारा निजाम होता है. अच्छा फवाद, मैं चाहूंगी कि आप इस बात को आगे लेके चलें और हमें बताएं दुनिया के और कौन कौन से ममालिक हैं जहां इसी तरह की एक अजीब सी मेरिटोक्रेसी के खिलाफ यलगार हुई हुई है. सही है। सबसे पहले तो मैं जो है इसमें से मैंने दो पॉइंट्स हमने जो है आपकी गुफ्तगू से हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला जो है वो इसमें रिलीजियस एम्फेसिस जो है हम इस पे भी बात करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि रिलीजन डज नॉट अलाउ सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, इट्स क्वाइट क्लियर। तो फिर ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद फिर इसको ऐसे रुख में क्यों डाल दिया जाता है जहां पर रिलीजियस जो है आपको ये जो है वो खुशफहमी में रखा जाता है कि शायद बहुत पायस हैं, लेकिन इट डजेंट वर्क। ठीक है, दैट्स वन। सेकेंड, बिहेवियरल साइंसेस पे बात करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आई कॉन्टेक्ट भी है, इतना हमें नोटिस किया जाता है, यानी इस वक्त भी जो मैं आपके साथ जो है महू गुफ्तगू हूँ,
उसमें भी ये देखा जा रहा है कि ये अपनी जो है फ्लो ऑफ वर्ड्स में कितने अच्छे हैं और ये क्या कंटेंट जो है उस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर कोई और कहानी नजर आती है जो जो हमारे मौजू से रिलेटेड है। तो बहरहाल मैं आपको तारीख के जो है वो तरफ उसकी तरफ लेके चलता हूँ। मुझे बड़ी हैरानगी हुई मैडम समीरा जब मैं टाइमलाइन के थ्रू गया इस मौजू पे, तो मुझे सबसे पहले तो ये नजर आया कि द इनोसेंस हैज बीन एबॉलिश्ड। ये मैं इस तरह कहूंगा कि जो आपकी शख्सियत है उसको तार तार किया गया है, यानी आपने मेहनत की, आप एक प्रॉपर एक प्रोफेशन में चल रहे हैं और उसके बाद फिर आपको इस तरह की रिडिकुलस किस्म की जो है एक्टिविटीज का सामना हो जाता है, होता भी है, इट्स अ चैलेंज बेसिकली, बट दिस ट्रेंड मस्ट नॉट गो ऑन। इस तसलसल को जो है वो मेरा ख्याल है इस हाई टाइम इसको बाकी नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये सिलसिला शुरू होता है मी टू कैंपेन, जिसने एशिया के अंदर हमें इससे जो है वो एक तारुफ जो है इसका करवाया। सबसे पहले मैडम तराना 2006 में इस पर गुफ्तगू करती हैं और बड़ी एक्टिव होती हैं। उनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से होता है। शी स्टार्ट्स टू स्पीक अबाउट दिस। होता यह है कि शी जस्ट प्रमोट्स द सोशल एंड यू नो द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक। इस पूरे मामले की जो बेसिक्स हैं उसको प्रमोट करती हैं। ये एक जो है एक्टिविस्ट हैं, इनका ताल्लुक न्यूयॉर्क, मतलब ये अपना जो है न्यूयॉर्क में थी। शी इज एन अमेरिकन। 2006 में इनके साथ कुछ इस तरह का वाकया होता है कि बाय करियर ही कम्स अलोंग विद यू नो अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड लॉरल्स, पर होता यह है कि एक्टिविज्म में गर्ल्स की इक्विटी विद जेंडर, उस पर ये बात करती हैं और फिर ये चल सो चल जो है वो सिलसिला निकल पड़ता है। इनके बाद ये बड़ी हैरानगी की बात है, 2006 में, जरा आप इस पे नोटिस कीजिएगा, 2006 में ये एक्टिव होती हैं और उसके बाद डायरेक्टली हिंदुस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क में, इस बात का जो है वो चर्चा होने लगता है कि यहाँ पर भी कुछ मसाइल हैं इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, 2006 के बाद जब ये मीडिया कवरेज इसको मिलती है दोबारा सोशल नॉर्म्स के हवाले से, हम देखते हैं कि इसमें 2015 में जाकर दोबारा बात होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इसको हाईलाइट किया जाता है। मैडम एम्ब्रा जो है वो इसको रिपोर्ट करती हैं और वो क्वेश्चन भी हुई थी पुलिस से, यू नो रिगार्डिंग 22-year-old वुमेन एक्यूजिंग हिम ऑफ टचिंग हर इनएप्रोप्रिएटली। सिर्फ टच पे हुआ था ये सारा मामला। तो देखिए 2006 के बाद 15 में फिर ये जो है मामला दोबारा इग्नाइट होता है और किस हवाले से होता है, यानी इसकी तो कोई मेरे ख्याल अहमियत भी नहीं देगा। यानी जो हमारे यहाँ केस अभी चला है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, वो तो मतलब वो तो बिल्कुल माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पे टच और फील के ऊपर जो है वो जो है पूरा लॉ सूट जो है पूरा इनकरेज हुआ, इंस्पायर हुआ। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि उसके बाद रशिया के अंदर भी, यानी यूक्रेन की तरफ भी 2016 में एनेस्थेसिया जो है वो इस पर बात करती हैं। हजारों लेडीज को अपनी इस जो है पूरे ट्रेंड में लेकर आती हैं और इस वक्त यही गुफ्तगू होती है 2016 में। जरा नोटिस कीजिए, 2006 में शुरू हुए थे, 15 में गुफ्तगू हुई और एक साल के अंदर अंदर ये इतना इग्नाइट हो गया कि यूक्रेन के अंदर उन्होंने कहा कि भाई अब तो ये मामला बहुत ही गलत चल रहा है, तो यू नो इलिसिट रिलेशनशिप्स पे आ गया है और इसको तो अब और मजीद आगे लेके चलना है। तो देखिए कि 2016 के बाद 2017 में एलिसा मिलानो आ जाती हैं। एलिसा मिलानो ने तो यहां तक लिखा कि इफ यू हैव बीन हैरेस्ड और असोल्टेड राइट मी टू। तो ये जो एब्रीवेशन है वो बेसिकली 2017 में जन्म लेती है और एलिसा इस पर बात करते हुए कहती हैं कि इफ यू आर अफेक्टेड विद दिस तो #MeToo का जो है वो आप अपना जो है ना इंतखाब कीजिए। और ये बकायदा एक ट्रेंड सेटर बनता है और उसके बाद फाइनली एजुकेशन सेक्टर्स में, चर्चेज में, यानी कि रिलीजियस प्लेसेस में इसको डिस्कस किया जाता है दैट देयर शुड बी अ डिस्टेंसिंग ऑन दिस। एक वो डिस्टेंसिंग है जो हम कोरोना में देख रहे हैं और ये एक वो डिस्टेंसिंग है जिसकी आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक अजीब मामला था कि कोरोना के ना होते हुए भी डिस्टेंसिंग मौजूद थी। तो जनाब अगर हम आगे चल के देखें तो इससे फिर हमें पता लगा कि इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। मैडम समीरा, मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ये सिर्फ रिलेशंस का मामला नहीं रहा, इसमें माफिया और डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने इसको मिसयूज करना शुरू किया फॉर देयर ओन गेन्स।
उसका मैं हवाला आपको इस तरह देता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर ये मूवमेंट चली थी, और उसको डायरेक्टली मी टू तो नहीं, पर 90% लेडीज का एक बड़ा जो है एसेट जो है अपना ऑन द रिकॉर्ड्स है, जिस पर यही बात की जा रही थी कि दिस इज अ प्रॉब्लम. तो वर्ड्स चेंज कर दिए गए, लेकिन मी टू वॉज द हैशटैग अगेन. तो ये होता है ऑलमोस्ट राउंड राउंड अबाउट इन 2018. तो अब आप ये देखिए कि 10 साल इस पूरी जो है वो इस पूरे सिलसिले को लगे, और फिर उसके बाद ये मजीद ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, चिले, चाइना, इथोपिया, फ्रांस, यानी मेरे पास तो पूरी लिस्ट यहाँ पड़ी हुई है. और ऑफ कोर्स फिर इंडिया में भी इस पर बहुत जो है वो हाई लेवल पर इसको डिस्कस किया गया. हमें असल में जब पता चला, जब इंडिया में हुआ, मैं हैरान हुआ हूँ, यानी कि हम जो है वो जब तक ब्रेकिंग न्यूज पे वो लाल लकीरों पे खबर ना सुने और वो टिकर्स को ना जाने, हमें पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या क्या हो चुका है. तो ये एक जो है ना, मेरे ख्याल से आपकी तरफ से भी ये मैसेज यकीनन आएगा कि वी नीड टू बी मोर क्लोज टू द करंट अफेयर्स, ये भी बहुत जरूरी है. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस मजमून में इसराइल, पैलेस्टाइन और इटली भी शामिल हुए, यानी कि ये पूरा अरसा कोई तकरीबन 1 साल का है, 2017 से लेके 2019 तक इसमें इस कदर फायर फाइट हुई है कि फिर ये फैल गई और लिटरली पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जा रहा है, इस पर बात की जा रही है, और बड़े बड़े फोरम्स पर जो है बकायदा प्रोग्राम्स मुनक्कद हो रहे हैं कि दे शुड ट्रेन द माइंड्स टू बी पॉजिटिव. अच्छा और हशास जहन जो होता है वो हमेशा अच्छी बात सोचता है. तो ये मैसेज हमें मिला इस पूरे सफर से. आखिर में मैं ये भी देख रहा हूं कि अब जैनब मर्डर केस जो हुआ था पाकिस्तान के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए थे, मैं फिल्मों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुछ एक्टिविस्ट थे जिन्होंने बायकॉट किया फिल्म हैरेसमेंट को. फिल्म हैरेसमेंट में जो एलिगेशंस थी उसमें सबसे पहला नाम हमने अली जफर साहब का देखा, और मीशा शाफी साहिबा का. उसके बाद हमें फिर ये बताया जाता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन जुनेद अकरम, जो हमारे वीडियो जो है अपने ब्लॉगर भी हैं, उन्होंने भी इस चीज को फेस किया, यानी कि सोशल मीडिया जो है वीडियो ब्लॉगर्स भी इससे बच नहीं सके. उसके बाद चैरिटी सेक्टर में भी अब्दुल सत्तार एदी से भी ये सारी बातें जो है उनको फॉर्मर एक जर्नलिस्ट थी उनसे जो है एक्यूज किया गया. मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी ऐसी जगहों पर इतनी मोतबर और इतनी रिस्पेक्टेड शख्सियत के बारे में ये बातें कही गई. इसका मतलब यकीनन ये है मैडम समीरा, देर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन ऑन द बैक एंड. मैं एक तो अपनी बात में एक गुजारिश भी रखूंगा, जो कि ऑफ कोर्स आपके जरिए होगी, आप सीनियर हैं, और इसके अलावा मेरा एक सवाल भी है. ये सवाल किन से हैं जो आज हमें देख रहे हैं, जो हमसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं? दे हैव जस्ट रेड द टॉपिक, उन्होंने सिर्फ मजमून को पढ़ा है उन्होंने. अब ये जब वो बातें सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि सब जो है दे माउथ आर वाइड ओपन, ये कैसे हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, और ये क्यों मशहूर और मोतबर शख्सियात से जुड़ जाता है सारा मामला. तो इस पे बात करेंगे. अब आप मुझे ये बताइए, आपको कैसा लगा मेरा हिस्टोरिकल टाइमलाइन? बहुत अच्छी लगी. जाहिर है कि कहाँ से कैसे शुरू हुआ. 2006 में जो आपने बताया कि पहला वाकया ऐसा हुआ था, वो क्या वाकया था, उसके बारे में कुछ पता चला जी आपको? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ. 2006 के अंदर, असल में 2006 वाज अ चैलेंजिंग टाइम फॉर द लेडी विच आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट, जिस शख्सियत को मैं अभी इससे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ. मैं आपको क्विकली बताता चलूँ कि इन्होंने सबसे पहले तो ये सोशल और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर थी, ठीक है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं. तराना बुरके जो हैं, उन्होंने मी टू का जो फ्रेज इस्तेमाल किया वो 2006 में हुआ. अब हुआ ये था कि माई स्पेस, जो कि एक सोशल नेटवर्क साइट है, बड़ी मारूफ है, उस पर इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया कि वी शुड हैव एम्पावरमेंट विद एम्पैथी, जज्बात के साथ ताकतवर शख्सियात को माइल किया जा सकता है. ये पॉजिटिविटी थी. अब हुआ क्या, अब ये जरा आप जरा ट्विस्ट देखिए. ट्विस्ट ये हुआ कि इनको ये इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मी टू 2006 में, हम वो देख भी सकते हैं. उस डॉक्यूमेंट्री के नतीजे में, क्योंकि उसका पॉजिटिव जो है इफेक्ट पड़ रहा था कहीं ना कहीं सोशलिज्म पे, तो इनके साथ क्या हुआ कि इनको मंसूब कर दिया गया अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल हु कन्फेस्ड
confided that she had been harassed, assaulted by Madam Tarana. ठीक है, ये हुआ कि एक जो है वो लड़की 13 साल की बच्ची, उसने ये कहा उसका, अब ये देखिए माइनर थी वो, ठीक है, वो तो अपना जो है वो एडल्ट भी नहीं थी, लेकिन उसकी बात को इग्नाइट कैसे किया गया? इग्नाइट इस तरह किया गया कि जनाब आपने जो है वो इसको जो है वो असॉल्ट किया, इसको हैरेस किया फिजिकली, तो आप जनाब आला जो है वो अपने कटेरे में आके खड़ी हो जाए, उसका जवाब दें। ये तो बड़ा एक अजीब सिलसिला था, बल्कि उन्होंने जो ये पूरी कैंपेन ये जो अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए चलाई थी, उसका तो ये मकसद ही नहीं था, वो तो एम्पावरमेंट और एम्पेसी की बात कर रही थी। अब आप देखें इसको रुख कौन सा दे दिया गया, यहां से ये बेसिक है, ये जो है इग्नाइटिंग टूल है, मैं समझता हूँ पूरी टाइमलाइन के अंदर जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ, और उसके बाद जो मैंने आपको कंट्रीज गिनवाई हैं, जो मैंने आपको एरियाज गिनवाए हैं, वहां इसको एडॉप्ट किया गया, और वो इसी पॉइंट पे रहा। वो जो 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 असल बात थी वो तो पीछे ही रह गई ना, वो तो जो है मेरा बिल्कुल एक मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि वो डॉक्यूमेंट्री भी किसी ने नहीं देखी होगी, आई एम प्रीटी श्योर, मैं भी सर्च कर रहा था इनफैक्ट आफ्टर रीडिंग अबाउट दिस। तो दिस इज वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग, लेकिन फिर वही बात आती है कि किसी छोटी सी बात से अक्सर बड़े बड़े रेवोल्यूशंस और एवोल्यूशंस जो है वो कायम हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये उसका सबब बनी। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2016 में जाकर कहीं ये दोबारा से इग्नाइट हुई। ओवर टू यू। अच्छा, मीडिया जो है ना वो किसी भी मुमलिकत का बहुत अहम सुतून होता है, अगर मीडिया में ही इस तरह की चीजें होने लगे तब तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। मतलब मीडिया के लोगों को तो बहुत ही मोतबर होना चाहिए, वो एक चेंज लाते हैं, जहन साजी करते हैं, लेकिन वही अगर इस तरह से उनकी शुरुआत ही ऐसी रहेगी तो तब तो जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क या सोशल निजाम आगे बढ़ सकता है। बेशक, बिल्कुल, ये अलार्मिंग है वो। तो ये सबसे पहले जब इस चीज को हम पहचान चुके हैं कि भाई ये हो रहा है, आप देखें मीडिया की किसी एक्ट्रेस का नाम लें या किसका, तो फौरन से लोगों के जहन में ना अजीब अजीब सी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, ओ ये तो ऐसी होगी, एक एक स्टीरियोटाइप बना दिया इमेज, इसको तोड़ना पड़ेगा। आपने देखा है फिल्में जो हैं वो तो रिवॉल्यूशन ला रही हैं, पूरी पूरी सियासत दुनिया की चेंज हो रही है, मुल्कों के इवन वजीर वगैरह चेंज हो रहे हैं, ऐसे भी वाकयात हुए हैं दुनिया में कि एक फिल्म का असर ऐसा पड़ा है, लोगों के मिजाज में फर्क पड़ा है, लोगों के दिमाग में सोचने के तरीके पे। तो फिर जब ये जो एक्टर्स होते हैं, जब ये इतने मोतबर होते हैं, जब ये एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो क्या इनको शख्सियती तौर पर इतने मोतबर मेरिट पे इनकी जब भी आप इनको जो है सेलेक्ट करें तो इनको मेरिट पे करें, ताकि आपको मालूम है कि इनको आगे जाके इनसे जो काम लेना है, उन्हें ना दुनिया को इन्फ्लुएंस करना होता है, तो जब ये लोग इतने कच्चे शख्सियत के मालिक होंगे तो ये चीज है। मेरिट पे किसी को भी, मीडिया की चाहे वो कोई भी शाख हो, देखिए मास मीडिया नाउ इट्स अ बिग फील्ड, आप उसमें अब सिर्फ अखबार नहीं है, उसमें रेडियो भी है, तो उसमें फिल्में भी हैं, तो उसमें उसमें सब कुछ है, एक इवन एक मोबाइल गेम जो है ना वो भी मास मीडिया में आता है, एक ऐप जो है मोबाइल की वो भी मीडिया में, मीडिया का एक हिस्सा है, हर चीज और उससे जुड़ी हुई हर चीज। तो जाहिर है वो मीडिया की, तो मीडिया की हर चीज को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेरिटोक्रेसी जो है उसका फुकदान हो गया है, जो कि बड़ी खतरे की घंटी है, खतरे की अलामत है, और मीडिया के लोगों का जो एहतराम जो वाजिब उन पे बनता है, वो एहतराम हम कैसे हासिल करेंगे अगर ये सब होता रहेगा, इतना सारा एहतराम तो जा चुका है, और इस पर जो लोग डिजर्विंग होते हैं, कैपेबल होते हैं, तो फिर उनकी भी डिग्निटी खराब होती है, और हमें नहीं अच्छा लगता जब हम ऐसे लोगों को अपने ही साथ जो है अपनी ही किश्ती में सवार देखते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द ही फटके, या तो इनको अच्छे से ट्रेन करके लाया जाए, इनको सिखाया जाए इथिक्स क्या होती है, इखलाकियात क्या होती है, और ये सिर्फ एक मुल्क में अब मुतय्यन नहीं है कि, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज बन चुका है सोशल मीडिया में, अब हम दोनों यहाँ बैठ के शो कर रहे हैं, हमें अभी किसी ने कहा बेल्जियम से हेलो कहा था, राइट, हमें दुनिया के हर मुल्क से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, अभी अब ये वीडियो जो है दोबारा से यूट्यूब पे जब अपलोड होगी तो ये कहाँ कहाँ ये लिंक आई थिंक 10-11 साल तक शेयर होता रहेगा। तो यू सी अब तो सब पूरा मीडिया एक कनेक्ट हो गया है, अब सबकी जिम्मेदारी बनती है, इट्स अ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मीडिया के जो ये लोग हैं इनको मेरिटोक्रेसी के हवाले से मैं ये आपकी राय चाहूंगी, आप क्या समझते हैं कि मेरिट का एक क्या क्या निजाम रखें कि किसी को घुसना ही ना दें जो जो इस लायक ना हो? तो देखिए इसमें मैडम समीरा, मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव रखता हूँ दैट कमिंग आउट एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद, क्योंकि वो एक लंबा सफर है,
आपने हाई स्कूल खत्म किया, आप जो है वो ग्रेजुएशन में आए, उसके बाद मास्टर लेवल तक गए, इस बीच जो आपने पूरी एक फिल्म अपनी एक रखी हुई है, अपने ये आप जिसको आप एक्सपीरियंस कहते हैं, जिसको आप अपना असासा कहते हैं, ये पूरा आप अपने कंधों पर लेकर आते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में। अच्छा, वहां तो आपको ये तासुर नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां तो कंपटीशन की बात है, जितना अच्छा ग्रेड, जितनी अच्छी जो है वो आपकी जो है परसेंटेज होगी, उतना ही आप शाइन करेंगे, वहां ये बातें डिस्कस नहीं हुई। हाँ, चैप्टर का हिस्सा जरूर होंगी, वहां पे हैरेसमेंट किसी एक छोटे से बड़े जो है ना वो तारीकी के एक टॉपिक में जो है वो चला जाता है मामला, उस पर ध्यान भी कोई नहीं देता। लेकिन अब हो क्या रहा है, मैं ये समझता हूँ, मेरिटोक्रेसी की जब बात की जाती है, आपने सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि यू नीड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी हु आर द लेवल बेस्ट इन दिस फील्ड, यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर देम। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जब चांसेस की बात होती है, जब मौके फराहम करने की बात होती है, तो फिर ये मी टू जो है वो एंटर हो जाता है। ये कहाँ से ये जिन आ गया, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई ये किस बला से चला। अब हमने अभी डिस्कस किया है कि वो एक डॉक्यूमेंट्री से सिलसिला शुरू हुआ था, तो भाई वो तो पॉजिटिव था, लेकिन ये जो माजरा चल रहा है, इसमें जो ये एक अजीब सा एक तासुर खौफ का, और आपकी जो है वो उसमें कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, इसमें ये तो पढ़ाई तो आपके खुटे लाइन लग गई। अब आप ये देखिए कि एक आदमी तालीम और तरबियत के जरिए अपने आप को इतने हर्डल से जो है वो, ये आसान नहीं है मैडम समीरा, ये आप करियर मेकिंग मेरिट पे आना इज अ बिग थिंग। आप टॉप टेंस की बात नहीं कर रहे, आप टॉप फाइव की बात नहीं कर रहे, आप टॉप थ्री की बात कर रहे हैं। हर कोई जो है वो हीरो नहीं होने वाला अपने मूवीज और ड्रामास के अंदर। 2-2.5-3 करोड़ की एक मुल्क की आबादी में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं मतलब ये कहूं कि जी ये जनाब सारी लेजेंड है, तो ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर एक का जहन मुख्तलिफ है, उसका सोचने का जो एक लेवल है वो मुख्तलिफ है। हर कोई जो है वो अपना ईगली डायलॉग्स याद भी नहीं कर सकता। मैंने तो फेस किया हुआ कैमरा, मुझे पता है क्या मुसीबत पड़ती है जब आप जो है आपके सामने स्क्रिप्ट आती है, फिर उसके बाद आपने उस कैरेक्टर को हावी करना है, अपने जहन नशीन करना है, वो भी एक चैलेंज है। तो मेरिटोक्रेसी तो होगी ना भाई, वो तो उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। ये हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पढ़ाई का बोलबाला है जी, ग्रेजुएट है, मास्टर है, प्रोफेशनल है, हाँ जी हो गए। अब जब प्रैक्टिकल फील्ड में आए, तो फिर इन तरह के मामला में फंसने शुरू हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि वो पहले ही तीन थे, ये तो मैं एक जो है ना बड़े बहुत आपको एहतियात से बता रहा हूँ कि तीन हो सकता है, एक ही हो, ठीक है, जो पूरे मेरिट से निकलता है एंड इट शोज ऑफ अपना अचानक से जो एक हमारी जो है वो फिल्म की फ्रेटर्निटी है या थिएटर की फ्रेटर्निटी है, वो हर एक को जो है फ्रंट लाइन पे नहीं ला सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो एक को जो मौका मिला वो इसके नजर हो गया। अब आप मुझे बताएं अब क्या होगा, अब तो अंधेरा है ना। अब अन जो है ना नॉन प्रोफेशनल, वो लोग जिनका इस फील्ड से सीरियसली कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ इतना शौक है कि जी कैमरे के सामने आएंगे और मुस्कुराएंगे, तालियां बजेंगी और घर जो है तोहफा भी लेके जाएंगे, तो इस तरह के मामलात में तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कोई अच्छी बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू इफेक्ट, इसका असर बराए रास्त जो है वो एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ रेवोल्यूशन पे पड़ रहा है। आपको अच्छा जो है कंटेंट नहीं मिलेगा, जब राइटिंग ही खराब हो जाएगी तो फिर एक्ट करने वाला तो उसी तरह चलेगा ना जो लिखा गया है। अगर वो ही मैयारी नहीं है तो फिर पूरी इमारत हिलेगी, और ये कैटेस्ट्रॉफिकली मेरा ख्याल है इसके बड़े ही बुरे नतीजे निकल सकते हैं। इसीलिए आज हम दोनों बैठे हैं, हम लोग लाइव बैठे हैं कि लेट्स स्पीक ऑन दिस बिफोर समथिंग वर्स हैपेंस। प्रोफेशनल्स नीड टू बी रिस्पेक्टेड, आप उनकी रिस्पेक्ट पे बात करना छोड़ दें, भूल जाएं। मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी जो है आउट ऑफ द टॉपिक मिसाल है, बाहर के किसी मुल्कों में, या आप एशिया से निकल जाएं, आप उनसे कहें कि जी दूध में भी मिलावट होती है, वो कहेगा तो क्या, व्हाट क्या कह रहा है भाई, आपने दोबारा बोल सकते हो? आप उसे 100 दफा कहें, वो कहेगा भाई मेरा वो माइंड नहीं है, मैं उस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, दूध में कौन मिलावट करता है भाई, ठीक है। तो उसे कहो कि जी अपना दवाइयां भी जाली बनती हैं, वो कहेगा दवाइयां, मेडिसिन टू सेव अ लाइफ, वो भी जाली है यार, क्या तुम क्या, ठीक है जाओ भाई, तुम्हें ना यू नीड अ सेशन ऑफ काउंसलिंग, वो आपको काउंसलिंग में डालते हैं, उनके पास भी सिस्टम है, वो काउंसलिंग में डालते हैं, वो ऐसे नहीं छोड़ते, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, कमिंग बैक टू द मेरिटोक्रेसी टॉपिक जो हमारा आज का मजमून है, ये बहुत जरूरी है कि आप इस फील्ड में देखें, 20 साल का अरसा जो क्रॉस कर लेता है वो माई बाप है भाई, उसके तो कदम चूमे आप, जो उसने सीख लिया है वो आपको फ्री फंड में दे सकता है, मे बी इफ ही और शी इज हम्बल, वो आपको फ्री फंड में सिखा सकता है, भाई ये तरीका है, ऐसे एक्ट करो, ऐसे मुस्कुराओ, ठीक है जी, और अपने लोगों से जो है बिहेवियर अच्छा रखो,
मेरा ख्याल है इसमें सबसे बड़ा अंसर, आई थिंक यू शुड नोट दिस पॉइंट, हमारे लेजेंड्स इसी वजह से माइनस हुए हैं मैडम समीरा, उनको आज इसी वजह से कोई ज्यादा घास नहीं डाल रहा। क्यों? बिकॉज दे गो बाय द लाइन, बाय द बुक्स, एंड दे से व्हाट इज बिटवीन द लाइंस। ये तो, ये जो मैं परेशान हूं मैडम, ये जो मैंने टाइमलाइन सुनी है, पढ़ी है इसकी, और उसके बाद जो मामला देखे हैं, बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो इट शुडंट बी अ पार्ट। जैसे मैंने कहा ना कि वो मेडिसिन अपना जाली बनी या दूध में मिलावट की तो उसे समझ नहीं आया, हमें हमारे पास हमारे सर में ये वसवसा आना नहीं चाहिए, हमारे जहन में ये आता क्यों है? ये एग्जिस्टेंस ही गलत है, हम इसके खिलाफ हैं, ये बहुत गलत ट्रेंड है, इसको दुरुस्त होना चाहिए। और मेरे ख्याल में, मेरी जो है वो एक राय है छोटी सी आपके सामने, बड़े जो है अपना बहुत ही एहतराम से रखूंगा, और आपके तमाम जितने साथी हैं उनके सामने, आई थिंक दिस इज हाई टाइम दैट वी शुड ब्रिंग अवर लेजेंड्स बैक। अब देखे ना, जब तक मोहसिन ठीक नहीं होगा ना, अभी अभी क्या हो रहा है, मोहसिन घबराया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मोहसिन नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात को जो है वो नहीं करूंगा, तजर्बेकार लोग फील्ड में मौजूद हैं, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप जो है निकल के देखें, बात करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, एक लिमिटेड रिस्पॉन्स है, एक लिमिटेड अटेंशन है, इनको थोड़ी सी और इज्जत दे दीजिए इससे पहले कि ये दुनिया फानी से कूच कर जाए और हमारे पास कोई चांस ही ना रहे। ये आप मतलब, ये मेरे लिए तो सोचने से ज्यादा डरने का मकाम हो गया है कि हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं होगा। तो काइंडली लेजेंड्स को वापस ले आते हैं, कोई बात नहीं, बूढ़े हैं ना, डांटेंगे, थोड़ी सी अकड़ दिखाएंगे, देख लेंगे यार, कोई बात नहीं, सर आंखों पर, उन्होंने टाइम दिया है, उन्होंने वक्त दिया है, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया है, वो इनके लिए आइडियल जो है ना, वो अपना जो है आइडियल बन सकते हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है, फिर से कहूंगा, देर है अंधेर नहीं है, ये मामला ठीक हो सकता है, बट Somebody needs to speak. कहते हैं कि इखलाकियात जो सबसे बेहतर बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं वो हमारे बुजुर्ग ही हैं, जो लेजेंड्स हैं, जो मीडिया में, हम मीडिया के हवाले से बात करें, मेरिटोक्रेसी का प्रॉब्लम तो हर शोबे में है, हम खास तौर पर मीडिया में बात करें क्योंकि मीडिया एक अहम सुतून है, वो जहन साजी करता है, वो दुनिया का नक्शा पलट सकता है, 21वीं सदी इज ऑल अबाउट मीडिया। अब बात यह है कि जो हमारी बुजुर्ग हस्तियां भी हैं ये भी सिखाने के लिए अब राजी नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते जो नई नस्ल के शागिर्द हैं, सोशल मीडिया की जनरेशन बदतमीज है और इनकी बदतमीजियां और सिटीजन जर्नलिस्ट आप इन्हें कह सकते हैं, डेफिनेटली जब भी कोई रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कोई भी ये आम सी रिपोर्टिंग होती है, बाज दफा ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं हालांकि उन्होंने सीखा हुआ भी नहीं होता है, इतने सारे इक्विपमेंट कैमराज आ गए हैं और हर बच्चे बच्चे के हाथ में कैमरा है और बाज दफा ऐसी ऐसी चीजें निकल आती हैं, एक आध वीडियो वायरल हो गई, एक आध बंदा उस एक वीडियो की वजह से मशहूर हो गया और उसके बाद बस जरूरी नहीं है कि वो अगली दफा भी ऐसे ही अच्छा काम करेगा या मोहतमद काम करेगा, उस चीज को भी देखना चाहिए। ये जो भी लोग मुझे लगता है कि इत्तेफाक से मशहूर हो गए हैं और उनको तरबियत देनी चाहिए, मुझे ना हाँ इत्तेफाक से मशहूर होते हैं, दूसरे दूसरे वो लोग होते हैं जो फॉलोअर्स खरीद लेते हैं, इनके बैक पे जो है ना कोई लगेज नहीं है, काम का एक्सपीरियंस का, क्या किया है आपने, कुछ नहीं, सीवी कुछ नहीं, प्रोफाइल दिखाएं कुछ नहीं, ग्रेजुएट किया होगा या कर रहे होंगे बस, दैट्स इट, यू नो बीइंग अ स्टूडेंट। तो इस तरह के जो जो लोग हैं इन ये लोग जो है असल में जब दूसरे लोगों को देखते हैं जो हमारे बच्चे हैं कि भाई इनके पास तो कितने 50,000 फॉलोअर्स हो, तो बच्चे ना इससे डिप्रेस हो जाते हैं, उनके रोल मॉडल कौन है, ये हैं गलत, दुनिया में रोल मॉडल कौन होते हैं, नेल्सन मैंडेला होते हैं जिन्होंने 28-28 साल का एक सबर डिटरमिनेशन, ये होते हैं रोल मॉडल, उनकी हिम्मत होती है सामने, अच्छा 28 साल उन्होंने क्या यार हम तो कुछ नहीं है, एटलीस्ट उनके पास एक हदफ है 28 साल का। आप अगर उसके जरिए एक ऐसा बंदा देख रहे हैं जो जो नेट पे गालियां बकता है, एक मोहतरमा है हरीम शाह, अच्छी मोहतरमा है वो, उनकी थोड़ी सी तरबियत हो जाए वो बड़ी अच्छी हो जाएंगी, कुछ एजुकेशन वगैरह भी शायद उनकी अच्छी है, लेकिन तमीज नहीं है, दरवाजे को लात मार के दरवाजा खोलती हैं और उनको कोई शर्म भी नहीं है उसमें, आप वही दरवाजा तमीज से खोल देती, आप उधर ना बैठती जहां जो आपकी जगह नहीं थी, मतलब मेरा ऑफिस है चेयरपर्सन का, मेरे ऑफिस में कोई अगर बैठ जाए मेरी कुर्सी पे मुझे बुरा लगेगा, मेरे अपनी मेरी बेटी नहीं बैठती मेरे ऑफिस की, ये मेरी मामा की चेयर है, यू अंडरस्टैंड, आपको ये छोटी छोटी चीजों की नशिस्त बर्खास्त की तमीज होती है, तहजीब होती है, आप इस तरह जो नई जनरेशन को दे रहे हो, आप अपने को मीडिया कहते हो, ये हमारा मीडिया हो गया है, यहाँ पर मेरिटोक्रेसी का फुकदान नजर आता है, ये नहीं होना चाहिए, इसको स्टॉप करें, जो इस तरह कर रहा है, ऐसी जो खवातीन है जो जरा सी भी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व है, कुछ छोटी किस्म की नेगेटिविटी में, कुछ बड़ी किस्म की वाहियात नेगेटिविटी में, उसको स्टॉप करें, डिस्करेज करें, और जो मेहनत करने वाली लड़कियां हैं
उनको रोल मॉडल बना के और उनको इज्जत देना सीखे। मैंने तो ये देखा है कि इज्जत ही नहीं करते हैं इनको, तो वो वाली भी लेडीज नहीं चाहिए जो बेचारी मेहनत करती भी नजर आ रही है ऑन रिकॉर्ड, और दूसरी वो लेडीज हैं उनको भी आप उसी उससे हांकते हैं, तो डेफिनेटली वो तो बेचारी डिस्करेज होंगी और वो कहेंगी ओहो इनको इतना करने से क्या मिला, तो हम क्यों उतनी मेहनत करें। ये चीज जो है ना दिमाग से हटाएं, ये नई नस्ल के दिमाग से होती है। एक तो वो बेचारी इतनी मेहनत करके आपको अपने आप को लूजर फील करेगी और वो उसको मुंह चढ़ाएगी, कहेगी मैं इसकी तरह बेवकूफ थोड़ी बननी है, इतनी मेहनत करो और उसके बाद कुछ मिलेगी भी नहीं, बगैर मेहनत से मिल जाएगी। तो ये चीज जिस माशरे में ये सोच आती है तो उसमें ऐसा ही होता है, उसमें ये मी टू होता है। जब मी टू कभी सच्चा भी होता है कभी झूठा भी होता है, मी टू को गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मैं आपको मी टू का एक गलत इस्तेमाल बताती हूँ जो मेरी आंखों देखा वाकया है। मैं उस जमाने में अच्छा माज हाँ मेरे मेरे सामने सामने हुआ था ये। मैं उस जमाने में मुंबई में पढ़ रही थी, ये मास कम्युनिकेशन के लिए फिल्म मेकिंग के लिए मैं वहाँ पे गई हुई थी। तो वहाँ पे जो मेरा होटल था और जो मेरी यूनिवर्सिटी थी करीब करीब थी, 8 मिनट के में हमारी वो, तो उधर ही सारे रेस्टोरेंट थे साथ में। तो वहाँ पर अक्सर क्या होते थे कि बहुत सारे एक्टर्स और इन लोगों को पता होता कि फिल्म मेकर हैं और आई हैं, उनके दिमाग में था कभी ये फिल्म भी बनाएंगी तो हमें भी मद्देनजर रखें और इस तरह से। तो एक लड़की आती थी तो मुझे कहने लगी कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और इस तरह से। तो मुझे मैंने कहा कि चलो हम लंच पे चल रहे हैं तो उधर आ जाओ। तो हम एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ गई। तो मुझे कहती हैं कि एक वहाँ पर सिंगर थे, उनकी जो मदर है वो कभी, क्योंकि जरा मैं वहाँ गेस्ट थी तो वहाँ पर जो लोग थे वो मेरा ख्याल रखते थे, तो उनकी मदर कभी हलीम मनाती थी तो कहती थी, क्योंकि मैं 18-18 घंटे क्लासेस लेती थी, मुझे अपने क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते थे ओ तो दिन माशाल्लाह कम थे, ज़्यादा क्रेडिट आवर्स पूरे करेंगे तभी तो आपका खत्म होगा। तो ठीक है वो मुझे अक्सर रात में कहती थी कि आपको ये मैंने हलीम बनाया है, ये आज अगर तुम्हारी जल्दी क्लास खत्म हो गई है तो आज घर चलो, हम तुम्हें हलीम बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है। तो इस तरह से होता था। तो वो मुझे कहने लगी कि आपने ना सोशल मीडिया पे वीडियो दी थी, आप उन लोग के घर में लंच कर खाना खा रही थी, तो आप लोगों के उनसे तो बड़े करीबी मरासिम है। तो मैंने कहा कि अच्छा, उसने सोशल मीडिया में मुझे वॉच किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहने लगी कि आप उनको कह दें मेरा एक गाना सुन लें, मैं उनका नाम नहीं अच्छा बताना चाह रही जो म्यूजिक डायरेक्टर है। अच्छा कोई जरूरी तो नहीं मैंने कहा कि आप अपनी वॉइस भेज दें, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, लेकिन किसी के काम पे तो नहीं, आप मेरे से घरेलू मरासी में, अगर मैं उनको ये तो नहीं कह सकती कि वो आपको सेलेक्ट कर ले। कहने लगी नहीं प्लीज, और ये और ये। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कल जो है ना उन्होंने मेरी नहारी वहारी कुछ बनाई है तो कल मैं जाऊंगी, कल मेरे कम सेशंस है तो ठीक है कल तुम आ जाना तो वो मुझे लेने आएंगी। तो फिर मैं, अच्छा वो आए म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो आए, वो ड्राइव कर रहे थे, उनकी अम्मी बैठी हुई थी, उनकी वाइफ बैठी हुई थी, मैं बैठी हुई थी। अब अच्छा मुझे, मैंने उससे कहा कि इससे इसका भी आप सुन लें जरा थोड़ा सा वो, उसने बेचारी ने सुन लिया और आके उसने कहा चलो वॉइस नोट्स पे मुझे और ऑफिस लेके गए। मैं भी उनके ऑफिस गई और साथ में उनकी वाइफ भी आई अंदर, उनकी अम्मी नीचे गाड़ी में बैठी रही, उनकी अम्मी कहने लगी मुझे सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। वो हम लोग गए। अच्छा उसके बाद जो है ना उन्होंने गाना वाना सुनाया, उसके बाद जो है वो वहीं पे चली गई और फिर हम उनके घर चले गए। उस वाकये ठीक के है लिए न्यूज़ सुनी, मी टू मेरे साथ ये बदतमीजी हुई और मेरी जो है ना टांग पे हाथ रखा और ये रखा वो रखा। मैंने कहा बात सुनो, इससे तुम फिर कभी भी मिले हो? कहने लगे नहीं वही मुलाकात हुई थी जब हुई थी। तो मैंने कहा मगर उस वो मुलाकात में तो साथ में मैं भी थी, वो तुम्हारी वाइफ भी थी, हम लोगों को काट दिया, सेंसर कर दिया हम लोगों को, और कब टांग भी हाल रखा, मतलब आप तुम तो वहां बैठे हुए थे, मैं यहाँ बैठी हुई थी, वो फिर हमने चाय भी पी थी, इसने गाना सुनाया था और बताया ठीक कि है मैं बस एक दफा मिली और बस वही एक दफा मिली और मेरे ऑडिशन में ही हुआ। मैंने कहा बात सुनो, तुम्हारा ऑडिशन तो मेरे सामने हुआ था, ये सब कब हुआ, झूठी बोलती हो तुम? कहती है नहीं मुझे सेलेक्ट नहीं किया वो, जिन लड़कियों को सेलेक्ट करते। मैं कहा तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया तो तुम ये झूठ बोल रही हो, मैं गवाह हूँ भाई उस जी हाँ चीज ठीक की। तो है और उसकी वाइफ भी बोल रही है समीरा जी वो याद है हम लोग जो है ना गए थे। मैंने कहा हाँ ये वही लड़की है, वही तो मैं सोच रही हूँ ये मी टू हुआ कब। तो बाद में मैंने कहा जी जी चलो जी बेटा तुम प्रूफ करो इसको, मैं गवाही देती हूँ। और उसकी वाइफ भी, थैंक्स गॉड उसकी वाइफ थी साथ में, चलो हम गवाही देते हैं कि ये। फिर मैंने उसकी शिकायत की IFTDA में, मैं भी मेंबर हूँ, मैंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी। मैंने कहा भाई मैं थी साथ में, उनकी अम्मा नीचे बैठी थी, अम्मा ऐसे जूते लगाएंगी बाद में, और उनकी बीवी बैठी हुई थी और ये इसने इस तरह की हरकत की, बेचारा शरीफ फैमिली मैन है। तो मतलब ये इतनी ठीक झूठी, है तो ये नहीं थी। और फिर मैंने आप बयानात दिए। यानी आप अंदाजा लगाइए हाँ वो लड़की बाद में इंडस्ट्री से काट दी गई झूठी की, उसको काम नहीं मिलता अब, क्योंकि मैंने तो सबसे ठीक पहले है गवाही दी। एक जाहिर है मेरी भी बात को, मैं जिस चीज पे साथ में थी, अरे मैंने ही तो वो मीटिंग कराई थी,
तो अभी तुमने मीठू और तुमने मुझे तो सेंसर ही कर दिया। देखो जरा, मैं गई थी तो वहां बैठे थे और भी बहुत सारे लोग थे, चाय वाला भी था, चाय देकर गया, कुछ कोई काउंटर पे बैठा हुआ था एक बंदा, पूरा फंडिंग में तो मामले चल रहे होंगे ना, वो पूरा वही माहौल लोग। उन्होंने दो लोगों पे कर दिया खाली। तो ये मेरी आंखों देखी बात है, मैंने कहा ये कितनी झूठी होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी जो तंजीमें हैं, ये मी टू और इस तरह की कैंपेन्स होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का जरिए मतलब ये कि मीडिया इतना मतलब अहम सुतून है, इसका छोटा नहीं है, तकद्दुस बढ़िया पामाल। है। जी मैंने कहा इतना छोटा नहीं है, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। मैंने कहा इतनी छोटी बात नहीं है, मीडिया तो बहुत जरूरी है भाई, ये कोई अपना मुस्बत पहलू में भी चल सकता है, ऐसी ये क्यों मतलब के पनप रही है। यकीनन ऐसी लड़कियां जो इस तरह की चीजों पे पकड़ी जा रही हैं, एक तो ये कि इनको काम ना दिया जाए, इनके साथ काम किया ही नहीं जाए, ठीक है, ताकि दूसरों को डिस्करेजमेंट मिले और वो दूसरी फिर ऐसी हरकत करते हुए 10 दफा सोचे, मेहनत करने की आदत डालें और इस तरह का। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल अगर उज्मा वगैरह का केस हुआ, इनको काम दिया जाए अगर ऐसा है, क्योंकि जाहिर है आगे से इनकी भी कुछ इन्वेड अगर हुआ ही होगा या समथिंग, तो ठीक है आप काम करो और मेहनत से काम करो और नेक्स्ट टाइम के लिए तोबा करो, नेक्स्ट टाइम के लिए आप किसी से पैसे लेती भी बिला वजह नजर नहीं आओ, मेहनत करो, अपनी मेहनत के पैसे लो, ये ठीक बात है, ठीक है। मैं इस पे दो दो बातें और ऐड करूंगा मैडम। आपकी गुफ्तगू से बल्कि बड़ा हमेशा सीखने को मिलता है। तो आपने अपना एक पर्सनल वाकया भी हमसे शेयर किया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट अगेन। मेरे ख्याल से मैडम काउंसलिंग की जरूरत है, कहीं ना कहीं ट्रू। हम नसीहत सही नहीं कर रहे। हम जो है ना कॉम्पिटिशन तो बहुत दिखा रहे हैं, मेरिट भी बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो आपकी नशोनुमा है, जो जहनी नशोनुमा है, जो आपकी प्रोफेशनल करियर के हवाले से नशोनुमा है, वो बड़ी स्कार्स है, बड़ी आइसोलेटेड है। तो पहला तो मेरी ये अपना गुजारिश होगी मैडम, अगर आप इस बात को ऊपर तक लेके जाएं, और इंशाल्लाह जाएगी हमारे इस सेशन से, अपना अल्लाह ताला बरकत फरमाए। वी आर हियर फॉर पीस एंड पॉजिटिविटी। तो काउंसलिंग का सिलसिला अगर जारी हो जाए, इसमें भी तो आग लगे ना, अपना मी टू की तो आग देख ली हमने, ठीक है ना, तो इसमें भी जरा आग लगे, ये भी जरा जो है वो चूल्हे पे गर्म हो। तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये कि अपना मैडम समीरा, एवरीबडी डिजर्व्स अ चांस, यू कैन नॉट लेट एनीवन ले डाउन। अगर एक वाकया हो गया है, उस पे आप उसका सारा जिंदगी का, 40-50 साल की तो जिंदगी है भाई अपना एवरेज एक इंसान की, वो आप खत्म नहीं कर सकते एक वाकया से। इट्स फुल ऑफ सही इश्यूज, इट्स फुल ऑफ इंसिडेंट्स। हो सकता है कि वही इंसान फिर कोई शहादत का मरतबा पा जाए, आपको तो नहीं पता, कोई ऐसा ट्रू वाकया हो ट्रू सकता है वो किसी की जान बचा जाए, तो फिर वो कैसी बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा वो सारा वाकया, कि ये तो शहादत ले गया, हम बातें करते गए जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन की और अपने स्ट्रगल्स की और उसको काम ना देने की। तो मेरा ख्याल है ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। वी शुड गिव अ चांस टू एवरीवन, डेफिनेटली एवरीवन आई हु इज अ एग्री दैट नेशनल। और अल्लाह ताला, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर रिलीजियस एम्फेसिस आना चाहिए। अब जहां वो कह रहे थे कि रिलीजियस एम्फेसिस नहीं होना चाहिए, यहां पर आके अब हम एग्री करेंगे कि नो, इट शुड बी देयर। क्योंकि जब तक आप किसी के लिए कोई रास्ता ना खोलेंगे, किसी के लिए अच्छाई का जो है सबब नहीं बनेंगे, तो उस काम पे कभी बरकत नहीं आती। ये ऑन द रिकॉर्ड है। तो अगर इस मामले को थोड़ा सा सीरियसली, अब ये अपना मी टू को सीरियस लिया है ना, अब इसको अपना सीरियसली लेते हैं, चले एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई सुबह का आगाज करते हैं। और वो ये होगी कि हमने सबकी काउंसलिंग करनी है, उनको सही रास्ता दिखाना है, इतना एनकरेज कर दें। मैं आपको कहता हूँ नेगेटिविटी की तरफ कोई भागेगा ही नहीं। ये जितना माफिया शाफिया, ये जनाब अपना फड्डे शड्डे, और ये जनाब पैसे दे दो और ब्लैकमेल करना, ये सबसाइड हो जाएगा, वेरी इजिली फ्लश आउट हो सकता है, जब बड़े ये इस काम को सीरियस लेंगे, बुजुर्गों को ये टूल्स अपने आगे तक पहुंचाने हैं, उसको दिए बगैर इस दुनिया से जो है वो अपना कूच ना करें। खुदा के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो खास तौर पे मेरी उम्र के जो है, चले मैं भी अब कोई यंगस्टर इतना नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल हम भी उसी फेज में हैं। क्योंकि मैं जब ये मामला देखता हूँ अपना मैडम समीरा, आपने तो बहुत बड़ा एक कॉम्पिटिटिव हिस्सा गुजारा है इस पूरे मामले का, पर मैं तो एनकरेज नहीं हूँ, मैं तो डर रहा हूँ, मैं तो घबरा गया हूँ भाई। मैं अगर चला गया तो मैं ये कैसे फेस करूंगा, और फिर मेरी फैमिली ने मुझे क्या रिएक्शन देना है उसका। तो इस वजह से मेरा ख्याल है इस मामले को पॉजिटिव जो है लेते हुए इग्नाइट करते हैं। चले अब हम हैशटैग बनाते हैं, मी टू फॉर अ चेंज, ठीक है जी, चले जी हैशटैग मी टू फॉर अ चेंज। अब उसके अंदर ये सारे सब कैटेगरीज जो है अपने मजमून की वो आ जाती है, कोई मसला ही नहीं है। आप एक दफा अच्छे काम की नियत तो करें,
यहाँ नियत का मसला है सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ, यानी आई एम नॉट सेइंग इट अबाउट अ सिंगल कंट्री, इट गोज टू एवरीवन हु वाज एनकरेजिंग मी टू, जो इसकी जो है वो पुष्ट पनाही कर रहे थे इस पूरे मामले की, ये उन सब के लिए है। काउंसलिंग करें, अच्छी राह दिखाएं, एक जनरेशन तो सेट कर देना, एक का मैार तो अच्छा निकले, फिर वो बात चल सो चल निकलेगी, फिर ये परेशानियां नहीं होंगी। आप देखिएगा ये मसला क्या हो रहा है, अभी लोग घबराए हुए हैं, मैं आपको ये हलफन कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूँ जी। मेरा मैंने 26 साल नहीं गुजारा जर्नलिज्म में, मेरी अभी वो औकात नहीं हुई है, लेकिन जिस वक्त होगी उस वक्त मेरे पास ये तो कहने को होगा ना कि आई डिड अ कॉन्ट्रीब्यूशन, या मैं घबराता ही रहूं और डर के मैं गलियों में छुपता रहूं, नहीं यार ओए मी टू, ओए नॉट मी टू ही टू, ये काहे की बातें है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा कल्चर है जी हमारा, कोई ऐसी बात नहीं। ओवर टू यू। देखिए जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि जो लड़कियाँ मेहनत करती हैं, जो डिज़र्विंग होती हैं, जो अच्छे ख़ानदानों से होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, क्वालिफाइड होती हैं, उनके हकूक़ यहाँ सल्ब होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरिट बेसिस पर आती हैं और वो इस चीज़ की मुस्तहक होती हैं कि उन्हें काम दिया जाए। लेकिन ये जो मीडिया के जो लोग होते हैं, या मर्द और ख़वातीन दोनों, जो कुछ गलत किस्म के फेवर्स देकर अपनी जगह बनाते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं उन लोगों को जिनको वो प्रोजेक्ट मिलना चाहिए, तो उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बार बार कहा कि मीडिया एक अहम सुतून है किसी भी मुमलकत का, और मीडिया के जो लोग ही, ये अहम सुतून में जो है शामिल होने वाले लोग ही अगर ऐसे होंगे, करप्ट होंगे, तो फिर तो आप मुल्क में कोई ना ही मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, ना ही मुल्क को तरक्की की डगर में रवा दवा रख सकते हैं। तो ये बात है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो मीडिया के जो करप्शन फैला रहे हैं या कुछ भी गलत कर रहे हैं, उनको जो है वो दाखिल नहीं होने देना चाहिए, शुरू से ही उनको मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो कोई भी मीडिया का जो माहौल है वो ख़राब करें। हमारे पास फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह नहीं थे, लेकिन जब हमारे यहाँ ये आगाज़ हुआ तो उससे पहले ही हमने एक हिकमत अमली बना ली थी। हमारे यहाँ क्या होता है, आम एंगे बेंगे लोगों को जो है ना लाइसेंसेस नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ ये होता है कि आप एक जी हद हाँ बना दी है, मिनिमम आप बैचलर्स होने चाहिए, बैचलर्स होने चाहिए मीडिया में, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये मिनिमम है। उसके ऊपर तो आप अगर हैं तो जबरदस्त बात है। और अग्रीड मिनिमम आपको 10 साल का तजुर्बा होना चाहिए, और फ्रीलांसर नहीं, एज अ स्टाफ आपको 10 साल का मिनिमम तजुर्बा होना चाहिए। और उसके मेरा जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पढ़ के आई थी मास कम्युनिकेशन और फिल्म वगैरह इंडिया से, उससे पहले मैंने आईआर में मास्टर्स किया हुआ था बाय द वे, और फिर मैंने जर्नलिज्म में भी एक मास्टर्स किया हुआ था। जी जब जी मैंने मास्टर्स किया तो मेरे मास कम्युनिकेशन उस जमाने में था जी नहीं, तो इसलिए मुझे दोबारा से अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ा था। जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे जो जी है ये लाइसेंस दे दिया गया क्वालिफिकेशन बेस्ड, लेकिन एक और भी शर्त फिर सर पे आ गई, आपके मैनेजर्स कितने हैं, आपके मैनेजर्स की मीडिया में ग्रेजुएट होने की डिग्री भी सबमिट करा है। मैंने सर पीटिया, मैं कहाँ से ऐसे मैनेजर्स में लेके आऊँ जो मीडिया में ग्रेजुएट हो, फिर ढूंढे मिल गए। तो मेरे सारे मैनेजर्स भी, इवन एवरी वन इज बैचलर्स इन मीडिया, लेकिन उनके पास लाइसेंसेस अच्छा नहीं है। अब जब वो मेरे पास 10 साल काम करेंगे तब मैं उन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूंगी, तो जाके उनको लाइसेंस मिल सकेगा। ठीक है, तो ये ठीक है चीज़ है, इतना बुलंद अग्रीड मयार रखा हुआ है। हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं, इवन सेग्रीगेशन में ये लेडीज डिपार्टमेंट है, मैंने वैसे ये इंडिया में भी, बॉलीवुड में भी देखा है, सबकी अपनी अपनी वैन्स होती हैं, अलग होते हैं। तो ये लेडीज है, वो वहां से वो तैयार होके आई, वहां से वो आए, अपने अपने डायलॉग याद है, शूट किया ऑन द स्पॉट, पहले से पता होता है यहाँ कैमरा होगा, इस तरह परफॉर्म किया, चले गए वापस। ये सारा एक बड़ा अच्छा सा ये प्रोसेस होता है, इट्स लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रोसेस। इसको पता है लोगों ने, जिन्होंने शूटिंग्स भी नहीं देखी होती है, बेचारों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या होता है, वो तो एक्ट्रेसेस को क्या क्या समझते हैं। ऐसा जी हाँ बिल्कुल भी बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को, क्योंकि ये सारी चीजें जो आ रही हैं, ऐसे वाकयात आ रहे हैं, तो लोगों ने छवि बना ली है जहन में। हमारे जी सऊदी हाँ मीडिया में, अभी हमारा नया मीडिया, हमने शुरू से ही इस चीज का बहुत लिहाज रखा हुआ है। ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है या जो डिजर्व नहीं करते, उनको लाइसेंसेस ही नहीं दिए जाते। तो जब पढ़े लिखे लोग अब इस फील्ड में लाइसेंस लेके आ रहे हैं, अब मेरी फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं उनकी मैं मसऊल हूँ, और मैं आई मेक श्योर डेफिनेटली मेरा तो फिर सिलेक्शन लेवल ही फिर आला हो गया ना, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, और एक जी बाकायदा ऑडिशन का ट्रू प्रोसेस होता है, और ये सारी चीजें होती है। तो ये इस तरह, इसको कहते हैं मेरिट। हमने अब तो अपना आगाज ही बड़ा सोच समझ के और मेरिट बेसिस पे किया हुआ है, और ये नहीं कि हर किसी ने, जिसको दिल चाह फिल्म प्रोडक्शन खोल लिया, हर किसी को जिसने चाह अखबार लेकर निकाल लिया,
उर्दू लिखनी नहीं आती, ठीक अपना अपना नाम लिखना नहीं आता, और जनाब उन्होंने जो है अखबारात निकाल लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर टू यू। जी, असल में मैं इसी बात को आगे लेते जो है लेकर चलूंगा। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रोफेशनल्स को जब मौका मिलेगा तो मामलात अच्छी जो है मेरिटोक्रेसी पे आएंगे, जो आज का हमारा मौजू भी है। बात ये है अपना मैडम समीरा कि जब तक कि हम ये अपॉर्चुनिटीज का जो सिलसिला है इस पे हाइप क्रिएट नहीं करेंगे तो मार्केट का खदशा है कि वो सैचुरेटेड हो जाएगी। सिर्फ इक्के दुक्के लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अब हम काबिज हैं, हमसे करवाना है कोई काम तो करवाओ, फिर वही बात होगी कि हम दोबारा रिवर्स हो सकते हैं। ये खदशा है, इंशाल्लाह ऐसा नहीं Very होगा, good point. लेकिन कि फिर वो जो है मिनटों की तरफ भाग जाएंगे फिर, क्योंकि शैतान ने तो अपना काम करना है, वो तो 24 घंटे का ओवर टाइम लगा रहा है भाई, उसको तो छुट्टी भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हमने यकीनन, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जैसे आपने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की मिसाल दी जो कि रिमार्केबल सिस्टम है, यकीन करें मैं बहुत अपने इंप्रेस्ड हूँ यहाँ पर। मैंने आपसे जो अपना सिलसिला देखा, फिर सऊदी रेडियो पे मैं गेस्ट भी गया, वहां पर भी मैंने देखा दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज, इतना अच्छा और पीसफुल सिस्टम है। और रिलीजियस एम्फेसिस जो हमारा एक हॉट टॉपिक अभी सब कैटेगरी में बना था, उसका भी आंसर मौजूद है। इट्स ऑल्सो अ फैक्ट, मुझे याद है जब मैं जो है एक प्रोग्राम के रेफरेंस से रियाद में मौजूद था, और जब मैं वहां मेहमान बनकर गया, क्योंकि वो मेहमान बुलाते हैं ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, तो वहां जब मैंने बात की, टॉपिक जो है वो ट्रेडिशंस का था, सकाफत का था, सकाफत के विरसे को तहफ्फुज़ देने का था। तो उस पर मैंने जब गुफ्तगु शुरू की, वो इतनी हाइप क्रिएट हो गई टीआरपी की कि उन्होंने कहा भाई हम तो मतलब हमें ये नहीं पता था कि हमारे मुस्लिम भाइयों में इतना टैलेंट है, ये तो हमसे ज्यादा बड़ी बात की है, तो ये यू आर पार्ट ऑफ अस, यू नो, इतना बड़ा ऑनर दे दिया, मेरे लिए तो कहना ही बहुत था। देखिए ना, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। अब मेरे अंदर जो उनका एक तसव्वुर है वो तो ये है कि जो हम अपना अलार्मिंग सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, इट इज फार बियॉन्ड, यू नो, यहाँ पर इतना अच्छा एक सिस्टम है, वेल प्रोफेशनल पीपल लाइक यू, ऑफकोर्स यू आर पार्ट ऑफ इट, इतने अच्छे लोग हैं, आपको अपना मेहमान भी बुलाते हैं, अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, और आपकी आवाज कोशिश करते हैं कि नेशनली जाए जहां जहां पॉसिबल, कितना आसान है जी। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कमिंग बैक टू दिस एरिया, मैं ये समझता हूँ कि डिस्करेजमेंट नहीं है, नाउमीदी गुनाह है, नाउमीदी नहीं करनी हमने। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपनी इंटेंशन को ठीक करना है। देखिए जी, ग्रेजुएशन भी जब होगी, जब इस सीरियसनेस को इंस्टीट्यूशन में राइज किया जाएगा कि आपने इसके बाद जो एक मरहला देखना है वो इससे भी बड़ा है। True. स्टोरी से भी मैं जो है वाकिफ हूँ मैडम समीरा, कि आपकी तो बच्ची हुई थी और आप जो है वो अपना जो है ना इम्तहान दे रही थी, ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो उस वक्त जो इम्तहान चल रहा था और आपको समझ नहीं आ रहा था बच्ची को एंटरटेन करें इम्तहान को, तो ये इस हद तक लोग गए हैं, इस हद तक लोग गए हैं, और उसके बाद जाकर कोई एक प्रोफेशन डेवलप हुआ है, एक एक जो है पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, लोग उससे सीख रहे हैं, मैं तो यू नो आई एम वन ऑफ देम। तो कहने का मकसद ये है कि अब इट्स हाई टाइम, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है आपकी गुफ्तगू से सोशल मीडिया। मैडम समीरा यकीन कीजिए, बहुत आसान सा चैनल है, आप अपना कैमरा ऑन करें जी, मैं आपको एक अपना बात बताऊं, मेरी जो अपने जो मेरी शुरुआत हुई थी रियाद कम्युनिटी में, जो मेरी शुरुआत हुई थी वो एक एक वीडियो से हुई थी, ये अपना जो है ना लिटरेचर के हल्के में मैंने डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के कुछ वर्सेस पढ़े थे, कुछ उनकी बातें पढ़ी थी, जिससे वो इतना हाइप क्रिएट हो गया, उन्होंने कहा ये केड़ा मुंडाई जी, ठीक है जी। तो इट वॉज जस्ट अ कैमरा इन माई होम, आई केम फ्रॉम माई जॉब, आई वॉज टायर्ड, बट आई सेड ओके लेट्स यू नो टर्न आउट अ लैम्प, एक लैम्प जो है जलाते हैं, और फिर उसके बाद वो लैम्प ऐसा जलाया कि जी जलता ही चला गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया आप सबके हाथों में है, आपकी डिवाइसेस में है, इसका मजबूत इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि मेरिट बहुत ज्यादा हाई हो गया है, ठीक है, मेरिट तो अपना जो है ना एग्जिस्ट करता है, ये तो नहीं कह सकते, जैसे आपने कहा कि नॉन प्रोफेशनल लोगों को तो मतलब मुश्किल हो जाएगी ना, फिर हमें तो वही चाहिए जो चीदा चीदा बात कर सके और सही काम कर सके, तो उसमें तो भाई बहुत कॉम्पिटिशन है। अगर आप उसका हिस्सा नहीं बन सके तो मेक योर ओन चैनल, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, अपनी अच्छी बातें उस पर रिकॉर्ड करें, लाइव जाएं, लोगों से गुफ्तगू करें, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपने नेशनल और इंटरनेशनली जो है वो अपने खड़े होकर बात करनी है। हो सकता है, ये बहुत बड़ा चांस है कि आपके घर में कहीं भी बात जो है वो महलों में की जा रही हो, इट्स वेरी पॉसिबल, अगर वहां पर ये मामला क्लिक हो सकता है तो यकीनन
सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल टू बी यूज्ड. इसका इस्तेमाल करें, मस्बत इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आपके आपके हिस्से का काम होना चाहिए भाई. आप अपने हिस्से का काम कीजिए. अगर आप उस फील्ड में बकायदा देखें जी, अपना ये मैं जानता हूँ कि हर कोई इतना जो है वो अपना जो है बहादुर नहीं है अपना मैडम समीर अजीज की तरह के फील्ड में उतर के जनाबे आला नंबर वन आ जाए. इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. हर कोई समीर अजीज नहीं हो सकता, हर कोई जो आफ्ताब इकबाल साहब नहीं हो सकते, हर कोई जो है वो हामिद मीर नहीं हो सकता. तो फिर क्या करें? ये एक बहुत बड़ा जिक्सॉ पजल है. बजाय इसके कि अपने जहन को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दें आप कॉम्पिटिशन के हाथों, ये मामला मजबूत तरीके से भी हल हो सकता है. यूज द टूल्स यू हैव इन हैंड. अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. ये कहावतें हमने स्कूल में पढ़ी थी, आज हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं. तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाएं, कीप इट इजी. आप जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो फिर ये सबसे जो है वो जरूरी बात जो आपने कही कि मेरिट के लोगों का आना आसान होगा, वो काम एक सही सिमत में करेंगे, अपॉर्चुनिटीज डेवलप, दे डेवलप, उसका जो है वो उसका वो रीजन बनेंगे, लोग जुड़ेंगे अच्छे काम के अंदर. अच्छे काम में बरकत होती है, रिलीजियस एम्फेसिस, एंड देन अगेन देयर विल बी नो मोर मी टू. इट डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कल्चर. ये जो हम अगर हम ये कहें ना कि ये हो रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता. इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. सो दिस इज व्हाट वी आर प्रमोटिंग. ओवर टू यू मैम. या हम अपनी गुफ्तगू वाइंड अप करेंगे और इस गुफ्तगू के जो बॉटम लाइन है वो यही है कि बहुत जरूरी है कि मीडिया के जो लोग हैं सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए और फिर ईथिकल ट्रेनिंग दी जाए और फिर अपडेटेड ट्रेनिंग दी जाए. अपने आप को अपडेट रखें, इल्म हासिल करते रहें और मीडिया में अगर आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारी को समझें और थ्रू प्रॉपर चैनल्स जो हैं आप अपना अपना भी फ़ायदा करें, दूसरों का भी फ़ायदा करें और इसी तरह से आपको ट्रू इज्जत मिल सकती है. तो थैंक यू सो मच. हम एक्चुअली अपना ये प्रोग्राम करते हैं इंस्टाग्राम पे समीरा अजीज ऑफिशियल पे और हम हमारे जो एडिटर हैं वो इस वीडियो को जो है एडिट करके समीरा अजीज ऑफिशियल यूट्यूब पे डालेंगे और फिर आप इसका जो लिंक आपके साथ शेयर करेंगे तो आप ये पूरा प्रोग्राम की सूरत में देख सकेंगे. और मैं फिर आऊँगी कल, मेरा इंस्टाग्राम पे है समीरा अजीज ऑफिशियल पे और उसके बाद परसों मैं इसी चैनल पे आऊँगी हमारे एक सिंध के सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, उनका इंटरव्यू करने के लिए. तो आप सबको पोस्टर इधर मिल जाएगा. स्टे कनेक्टेड और इसी तरह रहिए. थैंक यू सो मच आरजे फवाद. आरजे फवाद थैंक यू सो मच. और आपका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं अलग से दूंगी, अलग से रिकॉर्ड करूंगी ताकि जब वो वीडियो पे होगा तो फिर वो पूरे एक प्रोग्राम की सूरत में लोगों को पता चल जाएगा. आपने कुछ कहना है तो मैं चाहूंगी कि आप जो है माँ सलामा और इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें. राइट मैम, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था ही किसी ऐसी शख्सियत के साथ जो इतने तजर्बेकार हो और ट्रेंड सेटर हो अपनी कम्युनिटी में. आपकी जो फ्रेटर्निटी है जर्नलिज्म की, उसमें आप नंबर वन है. मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ. आपके जो तमाम मिशन हैं जिसमें स्टिंग ऑपरेशन भी हमने देखे, हमने उर्दू मैगजीन भी देखा, हमने जो है वो सऊदी गैजेट भी पढ़ा, तो मैं ये समझता हूँ कि आप आपको ये ऑनर हासिल है. और ये मैं बगैर किसी शक व शुबा के कहता हूँ कि आप सबकी जिंदगी का एक लंबे अरसे तक हिस्सा रही हैं. और इंशाल्लाह ताला मेरी ये खास दुआएं आपके साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं जो इतना मेहनत से काम कर रहे हैं. अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत अता फरमाए. और इसी के साथ तमाम व्यूवर से मेरी ये दरख्वास्त भी होगी और उसके बाद मैं जो है वो अपना जो है आई विल बिड अ फेयरवेल. अच्छे काम को प्रमोट करना कोई मुश्किल काम नहीं, आपकी नीयतों पर सारा इन्हिसार है. अच्छा काम करेंगे, बरकतें होंगी और लोग खुद ब खुद आपकी अच्छी कैंपेन में जुड़ जाएंगे. इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. मा सलामा. मा सलामा. So, Asian media direly alarming for meritocracy. Asiai media ahliyati nizam ke liye khatre ki ghanti. Sochiyega zarur is bare mein. Janab, hum phir aayenge. Aapne karna padega hame subscribe, like, share aur bell icon bhi daba dijiyega. Kahan? Sameera Aziz official mein har jagah. YouTube pe, Instagram pe, Facebook pe, Snapchat pe aur Twitter pe bhi. Aur ye khaas jo humne kiya apni Facebook pe, Facebook account tha sameera.aziz.media. Wahan par bhi jaake follow kar dijiyega. Aur BJM Entertainment मुंबई इंडिया से हमारे साथ जुड़े थे इस शो के लिए ब्रेन बगाड़िया और मयूर गुप्ता और समीर अजीज एंटरटेनमेंट से साद अब्दुल लतीफ और आरजे फवाद भी इस शो का आज हिस्सा बने. हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए सेलिब्रिटी के साथ. टिल देन मा सलामा. बाय बाय.